गाइस पाइथन में मैं, आप, शाहरुख, सलमान, ऐश्वर्या, ऋतिक सब लोग कोडिंग करते हैं, लेकिन हम में से कई लोगों को वो चीज़ें पता नहीं होती हैं जो कि एक एडवांस पाइथन प्रोग्रामर से एक्सपेक्ट की जाती हैं। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखकर हम डर जाते हैं, जैसे कि फाइल के मैंने आप लोगों को कुछ फंक्शंस बताए थे। अगर आप लोगों ने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस अभी तक नहीं किया गाइस, तो यहाँ पर आप लोग पाइथन प्रोग्रामिंग की 41 वीडियोज़, आने वाले टाइम में और वीडियोज़ ऐड हो जाएंगे, लेकिन ये वाली प्लेलिस्ट को आप लोग जो है एक्सेस कर लीजिए। इसमें पूरा पाइथन जो है भरा हुआ है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा एडवांस लेवल पर धीरे धीरे लेकर जा रहा हूँ। अब वहाँ पर मैं आपको क्या बताऊँगा इस वीडियो में कि आर्क्स और क्वार्क्स क्या होता है, और ये आर्क्स और क्वार्क्स करने का फ़ायदा क्या है। यार कोई काम करते हैं हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए, इसलिए मैं अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हुए एक फाइल बनाऊँगा यहाँ पर, आर्क्स KW कर देता हूँ। यार नाम से क्या ही फ़र्क पड़ता है, पाइथन प्रोग्राम का नाम बस मॉड्यूल के नाम से मैच ना करे इस बात का ध्यान रखना होता है। आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और हम आर्क्स और क्वार्क्स को इस वीडियो में डिकोड करेंगे। सो गाइस, जब भी हम कोई भी चीज़ पाइथन प्रोग्रामिंग में बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि यार हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, करने की क्या ज़रूरत है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में प्रॉब्लम क्या थी। अब मैं आप लोगों को एक फंक्शन यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, और ये फंक्शन क्या करता है, स्टूडेंट्स के जो भी मतलब मार्क्स हैं उनको प्रिंट करता है। यार अभी नाम ही करते हैं, फंक्शन अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर प्रिंट नाम से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ये क्या करता है, ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स लेता है और उन आर्ग्यूमेंट्स को लेकर ये क्या करता है, उनको प्रिंट कर देता है। बहुत अच्छा काम करता है ये। तो मान लो मैं यहाँ पर एक प्रिंट फंक्शन लिखता हूँ, और यहाँ पर मान लो ये चार नाम लेता है, ए बी सी और डी, ए बी और सी और डी। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, लिख दूँगा यहाँ पर, इसको कॉल कर दूँगा फंक्शन को, और यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है वो दे दूँगा हैरी, और उसके बाद मैं अगला आर्ग्यूमेंट इसमें दे दूँगा रोहन, और एक और आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर दे दूँगा स्किलेफ, और एक और आर्ग्यूमेंट मैं यहाँ पर दे दूँगा हमाद। अब मैं यहाँ पर जैसे इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो देखना क्या होगा। जैसे मैंने इस प्रोग्राम को रन किया तो यहाँ पर चारों के नाम प्रिंट हो गए, और इसमें कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन मान लो कि एक पाँचवा बंदा अगर आ जाता है, वो कहता है कि यार हमारा नाम तो लिया ही नहीं गया। जैसे मान लो कि शिवम है, शिवम कह रहा है कि यार मैं आपके हर वीडियो पे यार लाइक और कमेंट करता हूँ, आपने मुझे ही भूल गए यार, ये क्या है यार हैरी भाई। तो मैं कहूँगा ठीक है शिवम, मैं तुम्हारा नाम ऐड कर देता हूँ। जैसे ही मैं उसका नाम ऐड करके रन करूँगा, ऑब्वियस सी बात है मुझे एरर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आ चुके हैं पाँच आर्ग्यूमेंट और यहाँ पर ये सिर्फ चार आर्ग्यूमेंट लेता है। तो ये जो है नाइंसाफ़ी कर दी मैंने फंक्शन के साथ, जो ये बहुत गलत है। तो मैं यहाँ पर जो है चार की जगह पाँच आर्ग्यूमेंट्स इसके नहीं दे सकता, इसलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अभी एक और यहाँ पर डी के बाद ई कर दूँगा। और आप कहोगे यार ये तो बहुत बढ़िया किया हरी भाई, डी के बाद ई कर दिया, बहुत ही शानदार एकदम, और अब जो है आपका जो फंक्शन है वो भी काम कर रहा है। लेकिन क्या ये इस चीज़ को करने का सही तरीका है? अगर मैं स्केलेबल एप्लीकेशंस बनाने की बात करूँ जहाँ पर मिलियंस बिलियंस ऑफ यूज़र्स को हम लोग ऐड करते हैं, क्या वहाँ पर इस तरह की काम करना जायज़ होगा? जायज़ नहीं तो क्या बेहतर होगा, क्या इससे बेहतर हम चीज़ कर सकते हैं? तो वही मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में, आर्क्स और क्वार्क्स क्या करते हैं। मान लो मैं यहाँ पर फन आर्क्स नाम से एक फंक्शन बनाऊँ, और यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ पर लिख दूँ स्टार आर्क्स। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, प्रिंट कर दूँ मान लो आर्क्स ज़ीरो। अब आपको कहोगे यार हैरी भाई ये क्या लिख दिया आपने, अभी तक तो सब समझ में आ रहा था, अब एकदम से समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई मेरे एक मिनट रुको, मैं कर देता हूँ उसको कमेंट आउट, और ये फंक्शन को जो है मैं अब यूज़ नहीं करूँगा, मैंने आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए बनाया था। मैं जो यूज़ करूँगा यहाँ पर करूँगा फन आर्क्स फंक्शन को यूज़। अगर आप कहोगे यार हैरी भाई अगर इन सारे के सारे दरिंदों के नाम कॉपी करके, बुरा मत मानना यार मजाक कर रहा था, कोई दरिंदा नहीं है, इन दरिंदों के नाम मैं अपना नाम भी ऐड, मेरा भी नाम है बाय द वे उसमें, अगर कोई बुरा मान रहा है तो, इन दरिंदों के नाम मैं अपना ऐड कर दूं इस तरह एक लिस्ट में, और उसके बाद कुछ ऐसा करूं कि लिस्ट को पास कर दूं तो कितना बढ़िया हो। और उसी के साथ साथ ये लिस्ट अगर चेंज हो रही है तब भी जो है मज़ा आ जाए, तो मैं कहूँगा यार बहुत ही बढ़िया रहेगा ऐसा। तो एक आर्ग्यूमेंट्स को पास करने का तरीका ये है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ फन आर्क्स और यहाँ पर लगा दूँ स्टार एच ए आर, तो क्या होगा कि स्टार एच ए आर का मतलब ये जो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पास हो जाएंगे इस फंक्शन के अंदर, और वो स्टोर हो जाएंगे आर्क्स के अंदर। तो अब क्या होगा अगर मैं आर्क ज़ीरो को प्रिंट करूँगा तो हैरी प्रिंट हो जाएगा, जैसे मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ इसको रन करके, ये देखो हैरी प्रिंट हो गया। और अगर मैं यहाँ पर चला दूँ, अब क्या होगा ये एज अ टपल जाता है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ ये प्रोसेस किस तरह काम करती है। मैंने यहाँ पर जैसे एक स्टार लगाया तो क्या होगा, मैं एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी दे सकता था, मैं उसका नाम नॉर्मल रख देता हूँ, और नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी दे सकता था और आर्क्स भी दे सकता था। अभी मैं एक काम करता हूँ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को हटा देता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आर्क्स समझाता हूँ क्या होता है। देखो
जब मैंने ये लिस्ट बनाई, मैंने क्या किया, स्टार लगा के बोला कि इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को इस फंक्शन के अंदर भेज दो। अब क्या होगा, ये सारे के सारे एलिमेंट्स इस फंक्शन के अंदर चले जाएंगे, और क्या होगा, स्टार दोनों जगह लगाना है, यहाँ भी लगाना है और यहाँ भी लगाना है, और जो आर्क्स है उसमें एज अ टपल आ जाएंगे। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करूँ टाइप ऑफ आर्क, अगर मैं टाइप ऑफ आर्क्स प्रिंट करूँ तब वो टपल आएगा। मैं आप लोग को रन करके दिखा देता हूँ। अब आपको कहोगे लिस्ट क्यों नहीं आया, ये कन्वेंशन होता है, ये टपल के रूप में जाता है। अगर मैं इसको टपल भी बना दूँ ना तब भी टपल ही रहेगा, और लिस्ट बना दूँ तब भी लिस्ट ही रहेगा। तो इस चीज़ से आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो, प्रोसेस को समझने की कोशिश करें, और अगर मैं इसको लिस्ट भी रहने दूँ तब भी जो है टपल ही जाएगा। अब यहाँ पर आपने प्रोसेस को समझा, आपने देखा कि यहाँ पर ये जो सारे आर्ग्यूमेंट्स थे ये इस फंक्शन में गए, और यहाँ पर पहले पैक होकर इस फंक्शन में गए, फिर यहाँ पर ये आर्क्स में एज अ टपल मिल गए। ठीक है, अब मैं इसमें फॉर लूप चला सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ फॉर आइटम इन आर्क्स प्रिंट आइटम। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैंने ऐसे कर दिया, अब ये देखो हैरी रोहन स्किलेफ हमा शिवम। अब अगर मान लो यहाँ पर दी प्रोग्रामर को भी ऐड कर दिया जाए, अरे यार मैं लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ, राइट क्लिक करके अब मैं जैसे ही इसको रन करूँगा तो यहाँ पर दी प्रोग्रामर भी आ गया। अब मैं जितने नाम यहाँ पर ऐड करता चला जाऊँगा करता चला जाऊँगा वो आते चले जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है हमारा आर्क्स का। अब आप कहो कि यार हैरी भाई एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी देना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप एक नॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी दे दो। और यहाँ पर मान लो नॉर्मल की वैल्यू है, मान लो दिस इज अ नॉर्मल, मान लो मैं दिस इज अ नॉर्मल लिख रहा हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल लिख दूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि इसका नाम यहाँ पर भी नॉर्मल हो, फंक्शन में भी नॉर्मल हो, आप चेंज कर सकते हो रेगुलर फंक्शंस की तरह, जैसे मैंने आप लोग को बताया। अब अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके प्रिंट कर दूँ नॉर्मल को, तो क्या होगा, सबसे पहले नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जो है यहाँ पर देखो दिस इज़ अ नॉर्मल प्रिंट हो गया, यानी कि जो नॉर्मल था, अगर मैं नॉर्मल को एक इंटीजर दे दूँ 34, तो यहाँ पर 34 प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद जो है सारे के सारे नाम प्रिंट हो जाएंगे। तो मैं काम करता हूँ, नॉर्मल को लिखता हूँ आई एम अ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड द स्टूडेंट्स आर, तो इस तरह कुछ प्रिंट हो जाएगा। तो ये यहाँ लिख कर आ रहा है आई एम अ नॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड द स्टूडेंट्स आर, ये तो मैंने एक किया नॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के रूप में पास, उसके बाद मैंने किया एक आर्क्स के नाम से पास। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर जो आर्क्स लिखा है उसका नाम मैं कुछ भी लिख सकता था, उसका नाम मैं आर्क्स रोहन भी लिख सकता था। अब अगर मैं यहाँ पर आर्क्स रोहन लिखूँगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे यहाँ पर इसको भी आर्क्स रोहन ही पुकारना होगा, और अब मैं इसको रन करूँगा तब ये एकदम अच्छी तरह काम करेगा। तो ऐसा नहीं है कि आर्क्स ही रखना, ये सिर्फ एक कन्वेंशन बना लिया, जैसे कि हम इम्पोर्ट पैंडाज एस पी डी करते हैं। जो लोग भी डेटा साइंस में काम करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आप नहीं करते हैं छोड़ दीजिए, इम्पोर्ट टेंसर फ्लो एस टी एफ करते हैं, और भी बहुत सारी ये मतलब बना लिए हैं हमारी जो ओपन सोर्स कम्युनिटी है उसने, कि यार सेम हम अगर सेम नाम से इंपोर्ट करें चीज़ों को तो अच्छा रहेगा। तो स्टार आर्क्स करके लिख देते हैं और स्टार क्वार्क्स करके लिख देते हैं। अब मैंने आप लोगों को स्टार आर्क्स के बारे में यहाँ पर बताया, अब ये क्वार्क्स क्या बला है। अब यहाँ पर क्वार्क्स को बताने से पहले एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर इस नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को बाद में पास करूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और मैं इसको रन करूँ, तब होगा क्या कि यहाँ पर एरर आएगा, ये बोलेगा कि यहाँ पर जो है आपने गड़बड़ कर दिया। देखो यहाँ पर हमें करना क्या है, एज अ रूल ऑफ थंब मैं बताता हूँ आपको, आपको करना क्या है, नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को आपको पहले रखना है फिर आर्क्स को रखना है। अब अगर मान लो मैं इसको अगर ऐसे कर देता, इसको मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ कंट्रोल वी करता हूँ कॉमा करता हूँ और इसके लास्ट वाला जो कॉमा है उसको हटा कर इसको रन करता हूँ, तब होगा क्या, ये यहाँ पर भी एरर दे रहा है। देखो मैंने यहाँ पर स्टार आर्क्स किया, पहले स्टार आर्क्स किया उसके बाद नॉर्मल को बाद में दिया, उसके बाद भी मुझे एरर आ रहा है, कह रहा है मिसिंग वन रिक्वायर्ड कीवर्ड ओनली आर्ग्यूमेंट नॉर्मल। तो होता क्या है, आप नॉर्मल आर्ग्यूमेंट को पहले रखें फिर उसके बाद आर्क्स को रखें फिर उसके बाद क्वार्क्स को रखें, तो ये कन्वेंशन है और इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप लोग जो है एकदम गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको नॉर्मल आर्ग्यूमेंट पहले रखना है फिर उसके बाद आर्क्स रखना है फिर क्वार्क्स रखना है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर स्टार स्टार क्वार्क्स लिख देता यहाँ पर और इसको रन करता तो ये रन हो जाता एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो रन हो गया, क्योंकि क्वार्क्स मैंने यहाँ पर दिया है, मतलब ये क्वार्क्स लेने के लिए जो है ये एलिजिबल है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर स्टार हैर नहीं देता तो ये देखो यहाँ पर ये रन करेगा, ये एरर थ्रो नहीं करेगा, इसीलिए आर्क्स और क्वार्क्स बनाए गए हैं। आर्क्स और क्वार्क्स ऑप्शनल होते हैं, अगर आप देना चाहते हो तो दे दो, नहीं देना चाहते हो तो मत दो, एज सिंपल एज दैट, कोई आपकी जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अब ये क्वार्क्स होता क्या है ये बता देता हूँ। अगर मान लो मैं यहाँ पर के डब्ल्यू इज इक्वल टू एक डिक्शनरी बना दूँ और यहाँ पर लिख दूँ रोहन, और मान लो रोहन है हमारे क्लास का मॉनिटर और जो हैरी है वो है फिटनेस इंस्ट्रक्टर,
इसके बाद मान लो हमारा दी प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर कौन है हमारा, प्रोग्रामर है हमारा कोऑर्डिनेटर, ठीक है। मान लो मैंने कुछ भी रैंडम लिख दिया, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको स्टार स्टार के डब्ल्यू करके यहाँ पर पास कर दूंगा। अब ये जाएगा यहाँ पर स्टार स्टार के डब्ल्यू। अब मैं यहाँ पर स्टार स्टार के डब्ल्यू आर ए आर जी एस जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं यहाँ पर हैंडल कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके बाद इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर फॉर, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फॉर आइटम इन, आइटम नहीं किसी और नाम से इसको पुकारता हूँ, मैं लिखता हूँ आई इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स, एक मिनट, फॉर की वैल्यू कर देता हूँ यार मैं इसको, की वैल्यू, मैं सिंटेक्स भूल रहा हूँ। सिंटेक्स यार भूलना कोई बड़ी वो नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग को, आप लोग सिंटेक्स भूल गए तो आप लोग बेवकूफ़ हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सिंटेक्स रटने वाली चीज़ नहीं है। मैं थोड़ा थोड़ा भूल भी जाता हूँ कभी कभी, गलती भी करता हूँ अगर बीच में, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप कोई गलती कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं है। हम लोग को बनना क्या है, हमको ओवरऑल पाइथन प्रोग्रामिंग को समझना है, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के हमें अपना काम डन करना है, और जैसे जैसे आप लोग करते जाओगे यार वैसे वैसे चीज़ें सिंपल होती जाएंगी। चलो अब मैं इसको रन करके आप लोग को दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या होगा। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, की वैल्यू इन क्वार्क्स डॉट आइटम्स किया, ये की वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अब यार यहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट्स डालता हूँ। मैं यहाँ पर एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने नॉर्मल आर्ग्यूमेंट लिख दिया, ये तो चलो मैंने नॉर्मल आर्ग्यूमेंट यहाँ पर दे दिया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं प्रिंट कर देता हूँ नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ अवर हीरोज, यार हीरोज हीरोज हीरोज, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि मैं काम करता हूँ यार, मैं एफ स्ट्रिंग्स क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आप लोग को एफ स्ट्रिंग्स बता रखी हैं तो मैं अब एफ स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इस तरह लिखता हूँ कि इज़ अ वैल्यू, ठीक है। आप लोग सोच रहे हो कि यार ये हैरी कर क्या रहा है, मिटाई जा रहा है बार बार, चलो कोई नहीं। अब मैं इसको रन करता हूँ, देखो यहाँ पर लिख कर आया आई एम ए नॉर्मल आर्ग्यूमेंट एंड द स्टूडेंट्स आर, ये सबके स्टूडेंट्स के नाम आ गए, उसके बाद आ रहा है नाउ आई वुड लाइक टू, एक काम करते हैं यहाँ पर एक बैक स्लैशन भी लगा देते हैं। बैक स्लैशन लगाने से क्या होगा ना कि थोड़ा नीचे आएगा, अब यहाँ पर ये सब प्रिंट होगा वगैरह। नाउ आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस सम ऑफ आवर हीरोज, रोहन इज अ मॉनिटर, हैरी इज अ फिटनेस इंस्ट्रक्टर, दी प्रोग्रामर इज अ कोऑर्डिनेटर। अब मान लो कोई नया आदमी आ जाता है, मान लो कोई हमारा एक कुक आ जाता है, मान लो हमारा शिवम है, शिवम हमारा कुक है, तो खाना तो मैं भी बनाता हूँ यार, तो शिवम बुरा ना माने, लेकिन शिवम इज़ अ कुक यहाँ पर लिख कर आ गया, तो मैं यहाँ पर आइटम्स ऐड करता जाऊँगा और मेरा जो फंक्शन है अपने आप ऑटोमेटिकली उसको हैंडल करता जाएगा। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं आर्क्स और क्वार्क्स। अब जैसे मैंने आप लोग को ऑर्डर बताया अभी के लिए, आप लोग ये समझो नॉर्मल आर्क्स फिर क्वार्क्स। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है क्वार्क्स ही लिखूँ मैं यहाँ पर इसको क्वार्क्स प्रोग्रामर भी लिख सकता हूँ, क्वार्क्स बाला कर देते हैं इसको, बाला प्रोग्रामर का नाम बाला है, बाला क्वार्क्स बाला, ये भी करूँगा तब भी चलेगा। तो ये नाम इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। अब आप क्या यूज़ कर रहे हो और क्या कन्वेंशन के तौर पे आप यूज़ कर रहे हो और क्या एक्चुअली जो कीवर्ड्स हैं पाइथन के अंदर वो हैं, ये आप लोग को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो है मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ और बार बार कहता रहूँगा कि आप लोग चेंज कर करके देखो, एरर आता है तो उसके पैसे आपके नहीं लगेंगे, आपको कोई पीटेगा नहीं इस बात पर कि आपका एरर आ गया, उल्टा आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर करते रहो। अगर आपसे कोई सवाल पूछे यार ऐसा करूंगा तो क्या होगा, किसी से पूछो मत, सर्च क्यों करते हो यार कि ऐसा करूंगा तो क्या होगा। आपके पास पाईचार्म है, आपके पास पाइथन है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको प्रोग्राम 10 बार रन करने के पैसे देने पड़ रहे हैं। रन करो, देखो कुछ एरर अगर आ रहा है तो, या आउटपुट आ रहा है तो, अगर एक्सपेक्टेड है तो अच्छी बात है, अनएक्सपेक्टेड है तब सर्च करो कि यार ऐसा क्यों हुआ, डीप डाइव करो, डीबग करो। और यार अगर आप लोगों ने पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो ये रही पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। ये वीडियो अगर आप लोग के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है तो इसको लाइक ज़रूर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो इस तरह के आप लोगों के लिए फ्री में ला पाऊंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।